गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आप सभी लोग कैसे हो? तो हो चुकी है सुबह, सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। उसके बाद आज है हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आज रनिंग भी कैंसिल है। अब देखिए, अब मतलब वही 10-12 बजे जो है धूप होगी तो चलेंगे, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो रनिंग कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है, पानी देख रहे चारों तरफ। तो अभी चल रहे हैं घर पे। तो घर पे आ गया। घर पे आने के बाद भाई अभी घर पे बैठा हूँ, सारा कुछ हो गया, खाना पीना खा लिया। तो मम्मी गोबर लेके जा रही है, तो ये जो वो मेरी भैंस है। और बरसात में काफ़ी पैर फिसल रहा है। तो कल तो भाई बुखार मतलब तगड़ा वाला आ गया था। कल मतलब जो बारिश में भींग के रनिंग किया था नहीं, तो वही जो है बुखार आ गया था। तो कल शाम को दवा लिया, उसके बाद सुबह भी खाया, रात को भी खाया, तो इस टाइम थोड़ा आराम है। तो जाने वाला था मैं मिर्ज़ापुर, लेकिन भाई पता नहीं बारिश अगर रुकेगी तो चलेंगे, नहीं तो भाई एक बात, ये मोबाइल लेकर के आया भाई, देख रहे कीपैड में 4 कैमरा। मैं देखा तो मैं सोचने लगा कि अरे यार कीपैड में 4 कैमरा। फिर उसके बाद जब अंदर खोल के देखा तो ये कई कैमरा है, जो ऊपर कवर नहीं है उसी के ऊपर सिर्फ 3 कैमरा लगा हुआ है। तो बस है एक ही कैमरा, लेकिन 4 कैमरा दिखाया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा लुक है यार। काफ़ी तेज़ बारिश होने लगा, तो चौराहे पर आकर के बैठ गए। तो जब बारिश जो है कम होगी तो निकलेंगे यहाँ से। फाइनली गाइस रास्ते में भीगते भीगते हुए चल रहे हैं, तो आज जो है अभी पहुँच चुके हैं। तो ये देख सकते हैं बारिश हो रहा है भाई, बारिश में चल रहे हैं यार, काफ़ी आनंद आ रहा है यार। तो आप लोग जो है अभी चलता हूँ वहाँ पर, आप लोग को बाढ़ भी दिखाऊंगा, बाढ़ आया है। तो फाइनली दोस्तों बाढ़ जो है वो काफी ऊपर तक आ गया। देखिए ये जीटी रोड है, मेन रोड है, और ये पूरा यहाँ तक बाढ़ आ चुका है। उधर भी देख सकते हैं, उधर भी पानी पूरा, उधर पूरा भर चुका है। तो अभी बाढ़ जो है अभी बहुत कम है, धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। तो फाइनली दोस्तों मिर्ज़ापुर पहुंच चुके हैं। मिर्ज़ापुर पहुंचने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये बाढ़ का स्थिति, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये सीन बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कि यहाँ पर जो है जुटे हैं, वो भीड़ जो है मचाए हुए हैं। लेकिन जो लोग फंसे हैं भाई साहब, उनके लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। तो इस टाइम मैं हूँ मिर्ज़ापुर में, तो आया था घूमने के लिए। देख सकते हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इधर रोड पर भीड़ देखते हैं, हमारे पीछे भी पूरा पानी है और इधर भी पूरा पानी है। हम आए थे मतलब हमारे बुआ का घर है, तो उनका भी सामान जो है ऊपर रखना था, तो हम बुआ का सामान जो है पूरा ऊपर हो गया। तो अभी आ गए हैं, थोड़ा इधर देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो अभी चलता हूँ रास्ते में, तो आप लोग को पूरा दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बाढ़ का पानी कितना तेज़ जो है बह रहा है इस टाइम। यहाँ पर बाल जो है बहुत ही सस्ता मिला है, मक्का जिसे कहते हैं, 35 रुपये पसेरी। तो भाई साहब अभी जो है बाढ़ आ चुका है चारों तरफ, तो बाढ़ के चलते जो है लोग खेत से तोड़ करके 35 रुपये पसेरी, मतलब 5 किलो 35 रुपये में मिल रहा है इस टाइम। तो अभी हम हैं मिर्ज़ापुर में, तो ले लेते हैं भाई 5 किलो, और उसके बाद चलेंगे घर, खाएंगे पिएंगे मस्त, तो जो है मज़ा आए। फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो है मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ। तो बाढ़ में काफ़ी मज़ा भी आया मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो फ़न करने के लिए गया था। मैं बुआ का जो भी सामान रखना था ऊपर, मतलब जो वहाँ पर डूब जाता है जो घर, उस घर से उठा करके ऊपर रखना था, तो रख दिया। उसके बाद जो है थोड़ा सा फन किया, मज़ा आया। लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रहा था जो मतलब बाढ़ में ग्रसित थे, मतलब जो कि उनका घर डूब रहा था, लोग सामान रख रहे थे और फंसे हुए थे, कुछ लोग नाव से आ रहे थे बाहर। तो भाई काफ़ी मतलब दुखी भी हुआ उनको देख करके, कि मैं अगर उनकी जगह होता तो काफ़ी मतलब कैसा लगता, मतलब जैसा कि उन लोगों को लग रहा था, काफ़ी मायूस थे, तो ऐसा कुछ। तो मुझे उनको देख करके थोड़ा सा जो है अलग फीलिंग हो रहा था। लेकिन मेरे दोस्त थे, सारे लोग फ़न कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे, रोड से पानी जा रहा था, तो इधर उधर से सारे जो है फ़न कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा इन्जॉय किया। लेकिन फीलिंग थोड़ा सा मतलब भाई साहब लोगों को देख करके, जब नाव से आ रहे थे अपने गाँव में से, जब उनका गाँव डूब रहा था और नाव से निकल रहे थे, तो अजीब लग रहा था। तो दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग्स आप लोग को अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।